हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये न्यूट्री की सब्जी, जो कि हम इसे सोयाबीन की बड़ी भी कह देते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है और इसे हम थोड़ा सा यूनिक तरीके से आज बनाएंगे और शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने ये सोयाबीन की बड़ी है, इसे हमें गर्म पानी में भिगो दिया था 1 घंटे पहले, और अब हम हमारा जो पानी है ये ठंडा हो चुका है और हम अच्छे से ये पानी को निचोड़ देंगे। ये देखिए हमने न्यूट्रिएंट से सारा पानी निचोड़ दिया और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा ही नमक, और साथ में ऐड किया जिंजर पेस्ट और थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लेंगे, जो कि हमने मस्टर्ड ऑयल लिया, और हम चेक करते हैं हमारा ऑयल गरम हो गया है या नहीं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे ये सोयाबीन जो हमने बेसन में मैरिनेट करके रखी हुई थी। और जब तक कि हमारी जो सोयाबीन की बड़ियां वो फ्राई हो रही हैं, तब तक हम उसकी ग्रेवी के लिए ये मसाला ग्राइंड कर लेंगे, जिसके लिए कि हमने ग्रीन चिली 2 ली है, थोड़ा सा जिंजर लिया और हमने 2 अनियन लिए और साथ में थोड़ा सा गार्लिक लिया। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारी बढ़िया है जो फ्राई हो चुकी है, थोड़ी सी और करेंगे इसे, और ये हमारी अब बिल्कुल रेडी हो गई है। डाल लेंगे ये जो न्यूट्री की सब्जी है, ये वाकई में इसका नाम बिल्कुल सही रखा है न्यूट्री, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होती हैं। और आप इसे कम से कम एक बार ज़रूर अपने बच्चों को बना के खिलाएं वीक में। और इसमें से हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया और अपन इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डालने लगे और हमने ये डाली है हल्दी, और साथ में हमने जो ये मसाला ग्राइंड किया था ये डाल रहे हैं। और इसमें हमने नमक भी डाल दिया और अब इससे अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है और अब हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर प्यूरी। जो कि ये फ्रेश टमाटो से मैंने ग्राइंड की है मिक्सर में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। और मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने सोयाबीन की बड़ियां या न्यूट्री को जो हमने मैरिनेट करके फ्राई किया था इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं पानी,
और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हमें उतना पानी डालना है। और ये जो न्यूट्री है ना, इसमें हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जब ये उबलती है ये काफ़ी पानी सोख लेती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और अब हम इसे रख देंगे पकने के लिए। ये पानी उबलने लग गया, अब हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखें, हमारी सब्जी बनके बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इससे आपको पता लग सकता है कि ये बिल्कुल पक चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और साथ में फ्रेश कोरिएंडर। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।